स्वागत करती हूँ। मैं सेफ सुमन बैस, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अमूल के खजाने से पनीर चीज़ मीनार रोल एंड पाइनएप्पल पनीर टिक्का। और मैं अपने बारे में अपना इंट्रो देती हूँ। मैं सेफ सुमन बैस हूँ, रोटी बोटी तड़का मैं एचओडी पोस्ट पर हूँ और मैं लखनऊ से हूँ। और अमूल में आपका स्वागत है। अटली बटली अमूल हम बचपन से देख रहे हैं और मैं अपने रेस्टोरेंट में तो अमूल का ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। बेसिकली चीज़, घी और फ्रेश क्रीम हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अमूल का यूज़ होता है। तो मुझे अमूल के प्रोडक्ट बहुत पसंद और मैं अमूल के साथ आज काम कर रही हूँ। ये मेरा थैंक यू अमूल, थैंक यू अमनु सर। कैसे हैं आप लॉकडाउन में? ये कैसा चल रहा है? आज की रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। पाइनएप्पल टिक्का के लिए हमारे पास पाइनएप्पल है, देखिए इस तरह से मैंने क्यूब्स में काट के रखे हैं। हमने दही लिया है अमूल का। थोड़े से गार्निशिंग के लिए हमने जूलियंस कुकुम्बर, कैरेट एंड बीटरूट लिया है। कैप्सिकम है हमारे पास। उसके बाद हमने प्याज लिया है, कटी हुई शिमला मिर्च है फाइन चॉप, अमूल का घी, सोयाबीन, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, थोड़े से घर के धनिया, मिर्चा और जीरा का पाउडर है ये। और मैंने बनाया है इसमें ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, कॉर्न है, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट फिर से। मैंने मैदा लिया है और कॉर्नफ्लोर लिया है। पनीर है मेरे पास, थोड़ा सा चाउमीन है, नूडल्स और टमाटर हैं, लेमन, फूड कलर, जीरा, अजवाइन, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट एंड जीरा पाउडर। साथ में मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम, चीज़, पनीर, घी, अमूल का, अमूल के चीज़ स्लाइस मैंने ये लिया है। वीडियो नॉट क्लियर। और पनीर को मैंने इस तरह से स्लाइस करके काट के रखा है, आप देख सकते हो मेरी आवाज़ साफ है। थोड़ा हमारे यहाँ बारिश आ रही है इसलिए नेटवर्क इशू है, प्लीज़ कोऑपरेट करिए। मैं कोल को फायर होने के लिए रख देती हूँ स्टार्ट में ही। सबसे पहले हम पाइनएप्पल टिक्का की तैयारी करेंगे, तो मैं कर लूँगी 1, 2 and 2.5। क्या बन रहा है? पाइनएप्पल पनीर टिक्का है मैम ये, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं सॉल्ट डालूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा जोर से बोलो। सॉल्ट डाल रहे हैं, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स डाल के मैं अच्छे से फिर से मिलाऊंगी इसे। Why the gas is on? मैं उसको फायर कर रही हूँ, कोयले को जला रही हूँ मैं स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। क्या बना रहे हैं? पाइनएप्पल टिक्का स्टार्ट स्टिंग में है, फिर बनाएंगे हम पनीर चीज़ मीनार रोल। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये रोल, ये स्प्रिंग रोल की तरह भी नहीं है, बिल्कुल चाइनीज़ नहीं है, ये इंडियन टच है क्योंकि मैं अवर से रिलेटेड डिशेज बनाती हूँ सबसे ज़्यादा। साथ में मैं इसमें यूज़ करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच। इस तरह से हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैं पाइनएप्पल के क्यूब्स डाल दूंगी। येलो क्या मिलाया? येलो फूड कलर है,
आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हो, मैंने येलो फूड कलर मिलाया है, और इसे अच्छे से हम टॉस कर देंगे। साथ में मैं पनीर के क्यूब्स डाल रही हूँ, मैंने पनीर के क्यूब्स इस तरह से कटिंग करके रखा था, आप देख सकते हो इस टाइप से मैंने क्यूब्स किया है। हैंकर्ड है, यस हैंकर्ड है ये, आप देख सकते हो। हल्दी से कलर इतना अच्छा नहीं आता है, और इससे अच्छा कलर आता है येलो फूड कलर से। वेलपेपर में डाल, वेलपेपर मुझे मिला नहीं लॉकडाउन, सिर्फ शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ, और साथ में थोड़े से एक टमाटर मैंने डीसीड कर लिया था इस तरह से, टमाटर को मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं लेमन जूस थोड़ा सा डालूंगी, कुछ ड्रॉप्स, मैं मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी ढककर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना पनीर मिनार रोल के लिए, हम आगे बढ़ते हैं। पनीर मिनार रोल के लिए मैं एक बार फिर से आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने फाइन चॉप प्याज किया है, शिमला मिर्च है, मैंने सोया चंक्स को भिगो के पीस लिया है, मैंने कॉर्न लिया है, साथ में जिंजर गार्लिक चिली का पेस्ट जीजी पेस्ट है, और थोड़े सा ब्लैक पेपर है। घर में मैंने धनिया मिर्चा और जीरा का पाउडर बनाया है, चिली फ्लेक्स लेंगे हम, पनीर के कुछ क्यूब्स लेंगे, और मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी अभी। पनीर और पाइनएप्पल की क्वांटिटी क्या है? पनीर मैंने 200 ग्राम लिया है, 200 ग्राम अमूल का जो पैक होता है, मैंने पनीर को 200 ग्राम पनीर लिया है, और पाइनएप्पल मैंने एक पाइनएप्पल का मैंने 1/4 हिस्सा लिया है। हाँ जी सर, ये पनीर ये है 200 ग्राम का अमूल का पनीर, मैंने एक ब्लॉक लिया था इस तरह से, देखिए काटा है मैंने, थोड़ा सा बचा लिया है वरना पूरा डालना है, इस तरह से मैंने कटिंग करके रखा है अमूल का पनीर। फ्रेंड अब हम मीनार रोल की तरफ चलते हैं, हम इसके लिए एक छोटा सा मीज़ा बनाएंगे, तो आप देख सकते हो। और जो मैंने आपको दिखाया था जीजी पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो ये देखिए मैं यूज़ करूँगी। इसमें हम ना ऑर्गेनो यूज़ कर रहे हैं, ना कोई चाइनीज़ फ्लेवर दे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल होम स्टाइल है, और साथ में इंडियन स्टाइल है ये। और थोड़ा सा पिंच ऑफ अजवाइन, रिटन रेसिपी मतलब होगी इस लाइक? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल श्योर रिटन रेसिपी होगी आपको। मैंने देखिए इसमें यूज किया है अजवाइन और जीरा, आप देख सकते हो किस तरह से क्रैकल हो रहा है अजवाइन और जीरा। इसमें मैंने जो मैं पूरा एक चम्मच भर कर डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। अमूल घी में कुछ भी बनता है तो इतना अच्छा एरोमा आता है कि पूरे किचन को हम हिपा देता है, लोग पूछते हैं कि क्या बन रहा है। अब हमारा ये देखिए अच्छे से बन रहा है, साथ में मैं इसमें तुरंत ही प्याज डाल दूंगी, मैंने एक प्याज को फाइन चॉप किया है। आप देख रहे हो
हमें प्याज को बहुत ज्यादा गलाना नहीं है। हमारा प्याज हल्का सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने लगे, आप देख सकते हो इस तरह से। प्लीज कैमरा को पैन पे फोकस करिए। इस तरह से प्याज हल्का सा शाइन करने लगे तो तुरंत ही हम शिमला मिर्च और कैरेट इसमें डाल रहे हैं। हाफ बाउल मैं डालूंगी। आप इसका रेशियो आधा भी कर सकते हो, वन बाउल भी कर सकते हो। इसे हम भून लेंगे। साथ में मैं इसमें सोयाबीन को मैंने भिगो के पीस लिया था, मैं ये डाल रही हूँ हाफ कप। और कुछ पनीर मैं यूज करूंगी, अमूल का पनीर। इसमें हम कोई स्प्रिंग रोल का सीट नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल से हम बताएंगे आपको, एकदम सिंपल तरीका। अब मैं इसकी सीजनिंग करूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप सॉल्ट यूज करेंगे। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, मैं कॉर्न डालना भूल गई थी, हम कॉर्न का भी यूज करेंगे। मैंने छोटा कप कॉर्न डाला है। यूट्यूब पर हो आप मैम? हाँ मैं यूट्यूब में हूँ, सुमन जायकाए रसोई में, और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा ग्रुप है सुमन जायकाए रसोई, और इंस्टाग्राम में भी सेम पेज है मेरा सुमन जायकाए रसोई। इसमें काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने को मिलेगी। क्वांटिटी ऑफ अनियन? पनीर मैंने छोटा सा क्यूब्स लिया है, इस टाइप का मैंने क्यूब्स लिया है। अनियन मैंने 2 स्पून डाला है, फाइन चॉप। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। साथ में मैंने बताया था मैंने घर में धनिया जीरा और रेड चिली डालकर पीसा है, मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो। साथ में थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स यूज करेंगे, बिल्कुल जरा सा। इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढककर रख देती हूँ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम लिजाम बनाएंगे। मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 चम्मच, और साथ में मैं ले रही हूँ मैदा 2 चम्मच। इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, और पानी की मदद से एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा रनी नहीं करना है, आप ब्लैक पेपर का यूज़ करिएगा। अगर आपके बच्चे नहीं पसंद करते हैं तो मत करिएगा, वरना ब्लैक पेपर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, आप देख सकते हो। स्पून से दिखा देती हूँ, ये इस तरह से हम एक घोल बना कर रख लेंगे। और फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, हम साथ में मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने मैदा का रोटी बनाया है इस तरह से। देखिए किस तरह से ये ट्रांसपेरेंट है, देख लीजिए आप। हमने दोस्ती रोटी बनाई, उसको खोला है, तो इस तरह से हम इसकी रोटियाँ बनाकर रख लेंगे। नाइट में ही अगर हमारे यहाँ पार्टी है तो हम पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कितना पतला रोटी बनता है। इस तरह से मैंने रोटियाँ काफ़ी तैयार करके पहले से रख ली है। अब मैं चेक करूँगी कि हमारा ये हो गया, हमारा मेज़ा रेडी हो गया है।
मैं इसे एक प्लेट में खाली कर लेती हूँ ठंडा होने के लिए। बड़ा इजी चल रहा था, इसे मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए। हम एक प्लेट लेंगे, इस तरह से एक प्लेट लेंगे, इस तरह से फ्रेंड्स मैंने रोटियां बना के रखी है। आप देख सकते हो ये रोटी बनी है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसका कॉर्नर थोड़ा सा मोटा है। तो मैं इसे सीजर से साइड इसका हल्का सा निकाल दूंगी इन सबका। तो रोटी मैदा में क्या मैदा मैंने यूज़ किया है, रोटी मैदा यूज़ किया है। आप चाहते हो तो आटे का भी कर सकते हो, लेकिन मैदे में लुक बहुत अच्छा आता है। व्हाट आर यू मेकिंग? अब मैं बना रही हूँ पनीर चीज़ मीनार रोल। आप देख सकते हो इस तरह से इसकी एजेस मैं कटिंग कर रही हूँ। हम एक तवा लेंगे, मैं गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ। कैन यू स्पीक लाउडली? बिल्कुल, आज मेरा थोड़ा सा गला सही नहीं है और मेरा तबीयत थोड़ा सा लग रहा है, मेरी आवाज थोड़ी सी कम निकल रही है, सो मैं तेजी बोल रही हूँ। रेसिपी ऑफ रोटी, रोट मैदा लेंगे, उसमें हम वन टेबल स्पून अमूल घी यूज़ करेंगे, साथ में थोड़ा सा नमक यूज़ करेंगे और उसे अच्छे से हम सान लेंगे, बिल्कुल रोटी की तरह, जैसे मैदे की रोटी हम बनाते हैं या आटे की, उस तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। बहुत ही पतला रोटी बेले हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैम इस तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपको आर पार दिखाई पड़ना चाहिए, इस तरह से आप रोटी बेल लेंगे। अब मैंने पनीर का जो स्लाइस किया है उसको मैं तवे पे रखूंगी, थोड़ा सा मेरा पनीर सॉफ्ट हो जाए, इसलिए आप देख सकते हो पनीर को मैंने तवे पे रख दिया है। और हम यूज़ करेंगे चीज़, अमूल का चीज़ स्लाइस। फ्रेंड्स अमूल का चीज़ स्लाइस आप सब यूज़ करते होंगे अपने अपने सैंडविचेस में, तो मैं यूज़ कर रही हूँ अमूल का चीज़ स्लाइस। हम पनीर की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, हमें पनीर लाल नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा मुलायम करना है, बस इस तरह से। हम गैस को ऑफ कर देंगे, इस तरह से मैं रैपर खोल के पहले से रख लूंगी अपना। मैंने दो रैपर खोल लिया है, आप देख मैम आज नेटवर्क इशू है, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप कोऑपरेट करिए। अब जो पनीर का स्लाइस हमने तवे पे रखा था वो मैं यहाँ रखूँगी बीच में, इस तरह से थोड़ा सा साइड करके। व्हाट आर यू मेकिंग रेसिपी प्लीज़?
पनीर मीनार रोल, साथ में जो चीज़ स्लाइस मैंने दिखाया था अमूल का, वो मैं इस पनीर पे रखूँगी इस तरह से। और हमने जो मीज़ा तैयार किया था वो हाथों की मदद से रोटी सेक कर रखना है। हाँ, रोटी आप पहले से सेक करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। ये रोटी एक हफ्ते तक आपका बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। रोटी में आप एक हफ्ते तक इसको यूज़ कर सकते हो। इस तरह से स्टफिंग हम करेंगे। साथ में मैंने जो निज़ाम बनाया था अभी मैदे के डो में, आपने हॉट वाटर यूज़ किया था? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वाटर बिल्कुल आप यूज़ करना है इसमें, नॉर्मल वाटर। इसको देखिए, इस तरह से मैं साइड इसका ले लूँगी और इसे बहुत हल्के हाथों से करना है क्योंकि हमारा पनीर अभी गर्म है। एक रोल मेरा रेडी हो गया। आई हैव ट्राइड ऑल योर रेसिपीज एंड इट टर्नड आउट गुड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैंने अमूल आइसक्रीम के पेज पे दो बार लाइव दिया है और एक बार मैं इस पे आई हूँ अमूल के लाइव में, तो आप इसमें देखिए काफ़ी अच्छा है। अमूल के आइसक्रीम के साथ मैंने वर्क किया है, आप देखो। पनीर और चीज़ और उसके बाद क्या लगाया है? मैंने जो बनाया था एक फिलिंग, इस तरह का फिलिंग बनाया था, मैंने दिखाया है, ये फिलिंग मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं फिर से चीज़ स्लाइस लगाऊंगी इसमें। आपका मन दो या तीन रोल जो भी आप बना के रख सकते हो। इस तरह से चीज़ स्लाइस रखना है, फिर आप जो है अच्छे से फिलिंग रखोगे। आप इसमें चाउमीन भी लगा सकते हो आपकी इच्छा। एक चाइनीज़ अगर फ्लेवर देना है तो आप चाइनीज़ भी दे सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगी अभी, हम एक लिज़ाम लगा रहे हैं इसमें, देख सकते हैं आप। इस तरह चारों तरफ लगा के इस तरह से मोड़ देंगे। एक बार फिलिंग की रेसिपी रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट मैम, बस मैं रिपीट कर देती हूँ बस। देखिए हमारा ये भी रोल तैयार हो गया। थर्ड मैं एक बार बना लूँ फिर मैं आपको रेसिपी रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। कैन यू शो हाउ टू कट पनीर लाइक दिस? हाँ, मैंने चाकू की मदद से की है और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। दो मिनट मुझे टाइम दे दीजिए, बस मैं आपको दिखा देती हूँ। गर्म पानी में अगर आप पनीर को थोड़ी देर के लिए सोक कर देंगे तो आपका पनीर बिल्कुल आसानी से कट जाएगा स्लाइस में। 200 ग्राम का पनीर का पैकेट लीजिए और उसमें आराम से आपका 5 लेयर आराम से निकल जाएंगे, जो उसके साइड से इतने बड़े साइड्स बच जाते हैं साथ में कटिंग के बाद। पनीर शीट कैसे काटें? चाकू की मदद से गर्म पानी में पनीर को भिगो दीजिए और चाकू की मदद से इसे काट लीजिए। आप इसका रोल, पनीर का रोल बिना रोटी में लगाए भी बना सकते हो। इस तरह से इसे फोल्ड करना है। अच्छा, हमारा ये फोल्ड हो गया। अब जो हमने लिज़ाम बनाया था उस मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। टिल देन आप बता दीजिए कि फिलिंग में क्या क्या। हाँ, फिलिंग मैं बता देती हूँ। फिलिंग में मैंने मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसमें मैंने अमूल का घी लिया है, थोड़ा सा अजवाइन, जीरा, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट, देन उसमें मैंने कॉर्न डाला है, कैप्सिकम, कैरेट, सोया चंक्स एंड पनीर के कुछ क्यूब्स। साथ ही मैंने सीजनिंग की है चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और घर का कुटा हुआ थोड़ा सा धनिया, जीरा, मैंने मिर्चा के को कूटा था घर में, मैंने वो यूज़ किया है।
फॉर कटिंग पनीर स्लाइसेस इंस्टेड ऑफ नाइफ वी कैन यूज थ्रेड. तो आप मतलब गरम पानी में अच्छे से, बिल्कुल गरम पानी में अगर आप पनीर को अच्छे से एक बार डाल देंगे तो आपका पनीर बहुत अच्छे से कटेगा और कोई परेशानी नहीं होगी आपको. अच्छा फ्रेंड्स, जब तक हमारा ये सेट हो रहा है हम अपने टिक्के की तरफ चलते हैं. हमारा टिक्का देखिए कितना अच्छा साइन कर रहा है, कह रहा है कि मुझे जल्दी से सेको, स्क्यूअर में लगाओ. तो मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है. प्लीज़ मुझे ये स्टैंड पास कर, ये स्टैंड पास कर दीजिए. थैंक यू फॉर दी. इसमें मैं पहले टमाटर लगा रही हूँ, देन पनीर, फिर हम पाइनएप्पल का जो पीस है हम उसे लगाएंगे, साथ में फिर वेल पेपर, देन टमाटर. सोया चंक्स को रिप्लेस किस चीज से कर सकते हैं? देखिए आप इस तरह से देख रहे हो, फिर मैं पाइनएप्पल को फिर से लगाऊंगी, फिर हम उसमें इस तरह से हम लगा लेंगे. एंड प्लीज शो हाउ टू कट दी पनीर. ओके, देखिए हमारा तावा बिल्कुल गर्म है और फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ दूसरा स्क्यूबर तैयार करना अपना. हम तो तंदूर में ही बनाते हैं लेकिन घर पे अवेलेबल नहीं हो पाता है. फिर पाइनएप्पल क्यूब्स, फिर पनीर, देन पाइनएप्पल, फिर शिमला मिर्च से इसका हम एंड कर देंगे इसको. शो हाउ टू कट दी पनीर. ओके मैम, प्लीज मैं दिखा रही हूँ, एक मिनट जरा सा मैं थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दे दूँ वरना मेरा ये जलने लगेगा. साथ में मैं इसमें अमूल का मक्खन यूज करूंगी. पनीर के मैरिनेशन में क्या क्या डाला? पनीर के मैरिनेशन में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज किया है, कर्ड यूज किया है, ब्लैक पेपर. गैस तंदूर जो घर में अवेलेबल होते हैं उसमें ये बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो सबसे अच्छा बनेगा. हमारे यहाँ लाइट इशू है तो मैं यूज नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज मैं भी आपको दिखाती. आज बहुत प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बारिश लगी हुई है. गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर दूंगी. और हमारा देखेंगे कि जैसे ये पनीर हो रहा है हल्का सा, साथ में हम इसे देखते रहेंगे. और जो हमने रोल बनाया था मैंने फ्रिज में रखा था इसे, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ. मैंने जो रोल बनाया था person using the camera is too sweet. Thank you. इस तरह से हम इसको निज़ाम में ऐड करेंगे. इस तरह से आप डिप करोगे. और दूसरा मैं ले रही हूँ. मैम मैं आपको पनीर का स्लाइस कट करके दिखाती हूँ, बस मेरा ये रेडी हो जाए क्योंकि टाइम बाउंडेशन भी होता है. मैरिनेशन में कॉर्नफ्लोर भी डाला है क्या? कौन सी मैरिनेशन में? पनीर. नहीं कॉर्नफ्लोर नहीं डाला. आप कोयले से क्या करोगे? कोयले से मैं टिक्का को अभी दम दूंगी, आप देखिएगा बड़ा प्लेटिंग बहुत अच्छी सी है. मैंने कोशिश की है, मैंने घर पे बनाया है स्टैंड एक, मैं उस पर बनाऊंगी तो आप देखिएगा.
ओवन में कैसे बेक करें और कौन से रैक पर रखें टिक्का? टिक्का सेकंड रैक पे रखिए मैडम, और बोथ साइड लगाइएगा कि दोनों तरफ से सीखे, ऊपर से भी आपकी टिक्का को फ्लेम मिले और नीचे से भी मिले, दोनों तरफ से आपको टिके हुए। इस तरह से हम ब्रेड क्रम्स इसमें यूज करेंगे। ये देखिए इस तरह से टिक्का हमारा सिक रहा है। मैम इतनी पतली रोटी कैसे बनाएं? मैं सुमन जायका रसोई में मैं आपको क्लास दूंगी, आप प्लीज़ फॉलो करिए और मेरे फेसबुक पेज पे आइए सुमन जायका रसोई पे, या सुमन गैस है फेसबुक पे पेज मेरा है, तो आप उस पर आइए और जुड़िए और मैं आपको ये रोटी बनाने का तरीका बताऊंगी, कुछ कटिंग्स बताऊंगी अच्छी अच्छी जिसे आप फाइन चॉप कटिंग कर सकते हो। टिक्का रेडी हो गया है, ऐसे एक साइड पे रखूं टिक्का को? आपकी हर रेसिपी बहुत डिफरेंट होती है। ओके थैंक यू। अब हम ये बना रहे हैं रोल, मीनार रोल। हमारा ऑयल हम चेक कर लेंगे कि कितना गर्म है। यूट्यूब पर भी है क्या? नहीं मैम मैं यूट्यूब पे सुन रही हूँ। मैं इस तरह से हम रोल बनाएंगे और इसे हम फ्राई करने रख देंगे। मैरिनेशन रेसिपी। किस चीज़ की मैरिनेशन मैम? प्लीज़ आप थोड़ा सा क्लियर बताइए किस चीज़ की मैरिनेशन। ये जो मैंने रोल का किया है पनीर टिक्का का मैरिनेशन। इस तरह से हमारा मीनार रोल फ्राई हो रहा है। हम हर तरफ से इसको बिल्कुल सेकेंगे, ना हमारी रोटी कच्ची रहेगी ना हमारा रोल कच्चा रहेगा। इसे आप बच्चों को ट्राई कराइएगा, बहुत पसंद आएगा। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्दी डाल सकते हो, बीन्स कैबेज, मैंने तो इसमें सिर्फ शिमला मिर्च और कॉर्न और कैरेट यूज़ किया है। सोयाबीन हेल्दी होता है, पनीर भी हेल्दी होता है जैसा कि आप जानते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो। एफबी पेज का सुमन जायका रसोई मेरा एफबी पेज का नाम है। रोल्स को आपने किस लिक्विड में डिप किया है? मैंने एक कॉर्नफ्लोर और मैदे का एक लिजाम बनाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ एक मिनट। वेरी नाइस ग्रेट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच। लुक्स यम्मी। इस तरह से हम करेंगे। स्प्रिंग रोल शीट भी यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप इसमें तोतिया सीट भी यूज़ कर सकते हो, बाज़ार में सीट मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप किस तरह का सीट यूज़ करते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप घर पे बनाकर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्लीज़ एक बार आप सुमन जायका रसोई में आइए, मैं डेट बता दूँगी 15 अगस्त को मेरा फिर से लाइव है सुमन जायका रसोई में। उसके बाद मैं आऊँगी, इस पर कटिंग रैपिंग बताऊँगी आपको, प्लेटिंग डिफरेंट टाइप के कर लेंगे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। हमारा फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि रोल को तवा पे सेक सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप तवा पे सेक सकते हैं, ओवन में भी कर सकते हैं। तवा पे फिर आपको मैम फिर तवा में अगर आप कर रहे हो तो तवा पे आप वो मत यूज़ कीजिएगा, लिजाम मत लगाइएगा, डायरेक्ट रोल को आप तवे पे मक्खन के साथ, अमूल के बटर के साथ, अमूल के मक्खन के साथ आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हो। इज इट स्प्रिंग रोल? नो मैम, इज अ पनीर चीज मीनार रोल। इसमें मैंने पनीर का स्लाइस लिया है, चीज का स्लाइस लिया है, इसमें रोटी की रैपिंग करी है, साथ में मैंने इसमें ब्रेड क्रम के साथ कोटिंग करी है। आप
आप देख सकते हो इस तरह का आपके घर में जाली होगा, इसके घर में जाली होगा तो आप ये जाली यूज कर सकते हो। यहाँ मेरा रोल भी फ्राई हो रहा है, मैं दोनों तरफ ध्यान दूंगी। मेरा रोल भी डन हो गया है, मैं इसे निकाल लूंगी। रोल के साथ आपने क्या डाला है, चाउमीन? हाँ, थोड़ा सा मैंने चाउमीन फ्राई किया था गार्निशिंग के लिए। ग्रेट एनर्जी, थैंक यू सो मच। अब हमारा देखिए तीनों रोल रेडी हो गया है। अब रोल को थोड़ी देर के लिए मैं रख देती हूँ साइड में। फिर से हम अपने टिक्का की तरफ आते हैं। टिक्का हम इस तरह से ग्रिल पे रखेंगे, जिस तरह से आप देखते हो कि रेस्टोरेंट में एक स्मोकी सा फ्लेवर होता है, थोड़ा सा बर्निंग, तो इस तरह से हम टिक्के को इसमें हल्का सा सेक लेंगे। रेसिपी लुक्स यम्मी, थैंक यू सो मच। स्टफिंग, किसकी स्टफिंग? रिपीट प्लीज। कैन यू शेयर द रेसिपी इन रिटन? या। अब जो मैंने खोल को किया था उसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। आप पूछ रहे थे बार बार मैंने कोयले को क्यों किया। मैंने घर पे स्टैंड बनाया है फ्रेंड, देख सकते हो आप। प्लीज टेल, रोटी का आटा कैसे लगाया? रोटी का आटा मैंने मैदे में थोड़ा सा घी डाला, एक मिनट बताती हूँ। नेक्स्ट हम, आप भी ऐसे ही घर पे ट्राई करिए, हम भी इस तरह से ट्राई करते हैं घर पे ही। साथ में मैं घी यूज कर रही हूँ। प्लीज आप फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हो। प्लीज आप इस टाइप का जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता है लाइव में, आप इस तरह से फोटो क्लिक कर सकते हो कि आपका पनीर टिक्का बन रहा है। पूरे एरोमा के साथ मैं इसमें थोड़ा सा घी और अजवाइन और ऐड कर देती हूँ ताकि इसका धुआं थोड़ा सा और उठता रहे। ये अमूल के घी का कमाल है। वाओ, सुपर आइडिया, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं अपने मीनार रोल की तरफ। ये स्टैंड मैंने घर में बनाया है, आप देख सकते हो। ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए मैं करती हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा सा मैं दिखा सकूँ। मैंने ये स्लाइस लिया है कुकुम्बर कैरेट का, इसमें मैं सीजनिंग करूँगी नमक, ब्लैक पेपर और रेड चिली के साथ। देखिए इस टाइप से, और उसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। इज इट बारबेक्यू? या, बारबेक्यू पनीर चीज टिक्का, अरे सॉरी, पनीर पाइनएप्पल टिक्का। मैदे में घी डाल के आगे क्या किया? आपने ये देखा, मैंने ये प्लेटिंग की है चीज के रोल के लिए। एवरी पेज रिपीट। सुमन चायकाई रसोई मैम, अब देखिए मैं काट रही हूँ, इसकी आवाज़ आप सुनिएगा कितनी कड़क आवाज़ है इसकी, और इसका लुक देखिए आप देख सकते हो। ये स्टैंड कैसे बना? मैंने लकड़ी का, मेरे पास रखा हुआ था एक फ्रेम, मैंने उसी से बनाया है। काफी मेहनत की है सिर्फ आप लोगों के लिए कि मैं अपने फ्रेंड्स को कुछ नया और अच्छा सिखा सकूं। लवली, वाओ। साथ ही मैंने थोड़ा सा एक मेयोनीज का डिप बनाया है। मेरी एक प्लेट आज गलती से टूट गई, काफ़ी अच्छी प्लेटिंग थी उसकी,
और उससे अचानक से ब्रेक हो गई, पता नहीं कैसे। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। की तरफ थोड़ा फोकस कर दीजिए प्लीज़। जो मैंने चाउमीन फ्राई किया था वो मैं थोड़ा डाल रही हूँ। कैसी लगी आज की प्लेटिंग? अ बिग अप्लॉज फॉर बोथ कैमरा गर्ल, यू आर टू कोऑपरेटिव, लव यू, स्टे ब्लेस, वेरी इनोवेटिव। थैंक यू सो मच। मेरी बेटी है मैम, हमेशा आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए। आप देख सकते हो मैं एक पीस आपको कैमरे में एक बार दिखा देती हूँ। देखिए इसमें मैंने तोड़ा है आपको पनीर का लेयर, देखिए पनीर का लेयर, चीज़ का लेयर, अंदर की स्टफिंग आपको सब कुछ मिलेगी। और ये इतना क्रंची होता है कि आपके बच्चों को काफ़ी मज़ा आएगा। और ये स्प्रिंग रोल की तरह जल्दी से सॉगी नहीं होता, ये काफ़ी देर तक क्रंच रहता है, ट्रस्ट मी। आप एक बार बना के देखो। इसकी रोटी देखिए, रोटी का क्रंचनेस देखिए, बिल्कुल अभी भी बिल्कुल एकदम क्रंची। आप इसको किटी में, कोई भी पार्टी में आप अपने फ्रेंड्स को खिला सकते हो और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है। थैंक यू सो मच अमूल। ओके फ्रेंड्स, सुमन जी आपकी बेटी सुपर ऑसम, गॉड ब्लेस हर। थैंक यू सो मच मैम, बताइए। थैंक्स फॉर योर हेल्दी रेसिपी एंड ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। आप इस तरह से, मैंने पाइनएप्पल का एक क्यूब्स भी लगा दिया है, आप देख सकते हो। इसमें जितना अच्छा प्लेटिंग करोगे लोगों को खाने में मज़ा आएगा। आइज अपील होनी चाहिए हमेशा कि आपकी प्लेटिंग देख करके लोगों की भूख बढ़ जाए। रोटी की रेसिपी शेयर कर दीजिए जल्दी से। मैं बताती हूँ, मैदे में मैंने मैदा लिया है एक कप। आप इस टाइप का एक कप मैदा ले लोगे। अगर आप करीब इसमें इस कप के मैदे से आपकी 20 रोटियां तैयार हो जाएंगी, जिस तरह से मैंने पतली रोटी बनाई है। तो एक कप मैदा में एक चम्मच स्पून अमूल का देसी घी यूज़ करना है। साथ में अगर आपको सॉल्ट, अगर पसंद, सॉल्ट नहीं डाल सकते, सॉल्ट डाल दोगे और उसको नरम हाथों से बिल्कुल मारोगे अच्छे से। के बाद रख दोगे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। देन उसके बाद फिर उसको मलोगे, तब उसकी रोटियां आप तैयार करोगे। और आपकी रोटियां इस तरह से पतली रोटियां आप बनाओगे, इस तरह से रोटियां आपकी तैयार होगी। और मैं आऊंगी अभी रोटी की रेसिपी लेकर। इस तरह से आप स्प्रिंग रोल, अगर बहुत लोग सोचते हैं क्यों हम बनाएं घर में स्प्रिंग रोल, तो इस तरह की रोटी से आप स्प्रिंग रोल भी बना सकते हो। देख सकते हो कि बाजार में इसी तरह का सीट मिलता है मैम, वो होटल वाला सीट नहीं होता है, इसी तरह वो होममेड सीट बनाते हैं और उसको पैक करके बेचते हैं। तो आप इसी तरह इसको आप 1 महीने तक आराम से रख सकते हो, 6 महीने तक भी ये चल सकता है आप डीप में डाल दो तो। थैंक यू अमूल, थैंक यू मनु सर, मुझे फिर से चांस देने का। थैंक यू सो मच।